हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए एक से बढ़कर एक मनोरंजक कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह की एक कहानी हम आज भी आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, एक गलत कदम। गिरीश अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। बचपन से ही उसके माँ बाप ने उसका खूब ख्याल रखा और बड़े ही प्यार से उसका लालन पालन किया। उसके पिता एक बैंक में कार्यरत थे और माँ गृहिणी थी, वो उसका खूब ख्याल रखती थी। गिरीश एक लौता बालक होने की वजह से, माँ बाप के लाड़ प्यार की वजह से कुछ बिगड़ सा गया था। वो अक्सर अपनी चीज़ों को मंगाने के लिए जिद किया करता था और ना मिलने पर रूठ जाता था। पढ़ाई के लिए उसे अक्सर माँ बाप से डांट पड़ती थी। माँ अक्सर उसका ही पक्ष लेती थी, पर पिताजी अक्सर उसे डांट दिया करते थे। शिक्षक भी उससे परेशान रहते थे, वो केवल अपने मन की चलाना चाहता था। जब वो 7 वर्ष का था, उस वक्त उसने अपने पिता से कंप्यूटर की मांग की। उसके पिता की आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं थी कि उसे एक कंप्यूटर दिलवा सके, इसलिए उन्होंने उसे कुछ दिन रुकने के लिए कहा। पर उसने फिर वही किया, उसने जिद पकड़ ली और घर के एक कोने में मुंह फुलाकर बैठ गया। उसकी इस हरकत से इस बार उसके पिता बहुत नाराज हुए और उन्होंने उसे बहुत डांटा। उनकी डांट सुनकर उसका मन बहुत आहत हुआ और गुस्से में आके उसने एक गलत कदम उठा लिया, वो घर से भाग गया। बनारस का रहने वाला वो छोटा सा बच्चा घर से भागकर पता नहीं कितनी देर तक आसपास के मैदानों में घूमता रहा। चलते चलते वो पास के एक पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां पर एक मालगाड़ी कई दिनों से खड़ी हुई थी। वो घूम घूम कर थक गया था, इसीलिए उस मालगाड़ी के एक टप्पे में बैठकर सो गया। पर जब उसकी आँख खुली, तब उसने अपने आप को एक अलग ही जगह पाया। वो समझ नहीं पाया कि वो आखिर है कहाँ। वो बेहद घबरा गया था। वो ट्रेन के डब्बे से उतरा, उसने आसपास देखा, उसे अपनी जान पहचान का कोई दिखाई नहीं दिया और ना ही उसे अपनी जान पहचान का कोई स्थान या जगह दिखाई दी। वो परेशान होकर रोने लगा, काफ़ी देर तक रोता रहा। तभी एक व्यक्ति ने उसे देखकर उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो बेटे? उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से भाग गया। उसे बहुत जोर की भूख लग रही थी। भागते भागते अचानक उसे एक दुकान दिखी, वहाँ पर गरम गरम पूड़ियाँ चल रही थी। वो देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया, उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसके पास पैसे नहीं थे उसे खरीदने के लिए। जब उसने दुकानदार से कहा, भैया मुझे एक पूड़ी दे दो। पैसे है तेरे पास? पैसे तो नहीं है। चल भाग यहाँ से। उसे दुबकार कर भगा दिया गया, पर वो क्या करता, वो बहुत दुखी था। कुछ आगे जाने पर उसे वैसी ही एक और दुकान दिखाई पड़ी। वो जानता था कि उसने दोबारा पूछा तो उसे फिर से डांट ही पड़ेगी, इसलिए उसने एक और गलत कदम उठा लिया। उसने चुपके से कुछ पूड़ियाँ चुराने की कोशिश की, पर ऐसा करते हुए उसे दुकानदार ने देख लिया और वो दुकानदारों के हाथों बुरी तरह पिट गया और एक कोने में सुबकता हुआ बैठ गया। तभी उसने देखा उसकी ही हमरूम उम्र एक छोटी सी लड़की वहाँ बैठी हुई थी। उसके पास एक पुरानी सी गंदी सी पाव रोटी थी। उसने अपनी आधी पाव रोटी तोड़कर गिरीश को दे दी। गिरीश बहुत भूखा था, इसलिए उसने कुछ भी बिना देखे वो पाव रोटी खा ली। उसने पूछा, तुमने ये पाव रोटी कहाँ से ली? मैंने तो ये पाव रोटी खरीदी है। सच? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरे पास पैसे? भीख मांग के हम यहीं पे रहते हैं।
और यहाँ पे बड़े लोगों से भीख मांगते हैं और वो हमें पैसे दे देते हैं। फिर क्या था, गिरीश ने भी भीख मांगना शुरू कर दिया और भीख मांगते मांगते उसे शाम तक इतने पैसे तो मिल ही गए कि वो अपना पेट भर सके। दो तीन दिन तक इसी तरह चलता रहा, किसी तरह से वो अपना पेट भर लेता था, पर उसे अभी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घर आखिर वापस कैसे जाएगा। और वहीं भीख मांगने वाले भी बच्चों से भीख मंगवाने वाले माफिया गिरोह का सदस्य जो कुछ दिन से गिरीश पर नजर रखे हुआ था, उसने सोचा ये छोकरा अपनी गैंग का तो नहीं है, फिर अपने एरिया में कैसे भीख मांग रहा है, लगता है इसे भी अपने गैंग में शामिल करना पड़ेगा, देखने में सुंदर भी है और मासूम भी दिखता है। ऐसा सोचकर उसने गिरीश को चुपके से अगवा कर लिया और अपने पुराने से अड्डे पर ले आया जहाँ पर उसने उसके जैसे और बच्चों को रखा हुआ था। उन सबको थोड़े थोड़े चावल खाने के लिए दिए गए और जब रात के वक्त वो सब सो रहे थे उस वक्त उन लोगों ने आपस में बातचीत करनी शुरू की। उस व्यक्ति के गैंग का बड़ा सदस्य भी आ गया था। साहब, हमें एक नया छोकरा मिला है, हमें लगता है कि इसे भी अपने गैंग में शामिल कर लेना चाहिए। अच्छा, कौन है वो? वो देखिए साहब, दाएं से तीसरा वाला। मैं सोचता हूँ साहब, इसकी आंखें फोड़ देंगे या कहें तो इसके हाथ काट दें, तब लोगों को इसके ऊपर और दया आएगी। हाँ, तुझे जैसा सही लगता है तू वैसा ही कर, पर मुझे बस मेरा पैसा मिलना चाहिए। ठीक है हुजूर। उनकी ये बातें गिरीश के कानों में पड़ गई और गिरीश बेहद घबरा गया। सुबह होने से पहले पहले उसने चारों ओर देखा और किसी तरह बचते बचाते वहाँ से भाग निकला। भागते 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 वो बहुत दूर निकल आया उस जगह से। एक रेलवे स्टेशन यहाँ पर था, वो उसी रेलवे स्टेशन पर बैठ कर रोने लगा। वहाँ पर एक बूढ़े से आदमी उसे दिखाई दिया, यही कुछ अधे लोग लगे। उन्होंने उसे रेलते हुए देखा और उससे पूछा, तू रो क्यों रहा है रेलवे? अंकल अंकल, मैं खो गया हूँ, पता नहीं मेरा घर कहाँ है। अच्छा, तूने कुछ खाया? नहीं खाया। ठीक है, तू मेरे साथ चलेगा, मेरे घर का कुछ काम करना सीख ले, मेरे घर के कामों में हाथ बटाया कर और मैं तुझे खाने पीने का और रहने की जगह दे दूंगा, समझा तू? और वक्त मिलने पर तेरे माँ बाप को भी ढूंढवा दूंगा। गिरीश उन साहब के साथ चल पड़ा। गिरीश काफ़ी दिनों तक उनके घर में रहा, उनके साथ उनके घर के कामों में हाथ बटाता रहा और जब भी वो अपने माँ बाप के बारे में पूछने की कोशिश करता हमेशा बड़े साहब उसे छिलक दिया करते थे। अंकल, मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ पता चला? हाँ हाँ, पूछ रहा हूँ, जा। तूने अपना काम किया? ठीक है। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। गिरीश 9 साल का हो गया। इतने वक्त उनके यहाँ रहने के बाद गिरीश समझ गया था कि उनका इरादा उसे उसके माँ बाप तक पहुँचाने का बिल्कुल नहीं है और इसलिए एक बार फिर से वो वहाँ से भाग निकला। ऐसे ही उसने अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितने घर बदले, ना जाने किन किन शहरों में घूमा। उसकी ज़िंदगी ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बड़ा होते होते उसने ड्राइवरी का काम सीख लिया और ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा। एक ऐसी दुकान में नौकरी कर ली जहाँ सामान पहुँचाया जाता था। लोग अपने घर का सामान इधर से उधर पहुँचवाते थे या फिर कोई कंपनी अपना सामान अपने कस्टमर्स तक पहुँचाने के लिए उनके ट्रक्स का इस्तेमाल किया करती थी। गिरीश भी वहाँ काम करने लग गया और गिरीश पूरे 25 साल का हो चुका था। बचपन से उसका चेहरा बहुत अलग हो गया था।
ऐसे ही एक रोज उसे एक पते पर सामान पहुंचाना था जो उसके अपने जन्मस्थली बनारस में ही था। बस फिर क्या था, उसने सामान लादा और उस पते पर जाने के लिए रवाना हो गया। कुछ 12 घंटों के सफर के बाद वो उस जगह तक पहुंच पाया। पते पर पहुंचने के बाद उसने दरवाजा खटखटाया और जब उसने सामने देखा एक तकरीबन 60 से 70 के बीच की उम्र के एक सज्जन वहां खड़े थे। गिरीश वो चेहरा देखते ही पहचान गया, उसकी आंखें खुद ब खुद नम हो गईं। वो सज्जन व्यक्ति और कोई नहीं, गिरीश के पिता ही थे। गिरीश ये देखकर बहुत खुश हुआ, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे और क्या कहे आखिर। उसने अपने पिता से कुछ भर्राई आवाज में कहना शुरू किया, पिताजी आपने मुझे पहचाना, मैं गिरीश हूँ, आपका बेटा। गिरीश? हाँ पिताजी, मैं बचपन में घर से भाग गया था। मेरा गिरीश? हाँ पिताजी, कितने सालों से आपको ढूंढ रहा हूँ पर मुझे कुछ पता ही नहीं था कि हमारा घर कहाँ है। मेरा बच्चा गिरीश? उन वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए, उनकी वे आंखें नम हो गई। वो भी अपने बेटे को सालों से ढूंढ रहे थे। वो गिरीश को गले लगाने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे तभी पीछे से एक महिला का कर्कश स्वर सुनाई पड़ा। कौन है जी, किससे बातें कर रही है इतनी देर से? अरे सुनती हो, मेरा गिरीश वापस आ गया है। आपके गिरीश? वो लड़का पता नहीं कहाँ होगा, तक तो मर खप गया होगा कहीं। हर कोई हर चौथे रोज आपको आकर बुद्धू बना जाता है, आपसे लोग पैसे ऐड ले जाते हैं आपके बेटे के नाम पे, पता नहीं कब आप उसके नाम पर रोना छोड़ेंगे। क्या मैं और मेरा बेटा आपके लिए काफी नहीं है जो उस लफंगे के चक्कर में आज तक पड़े हुए हैं? ये बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आगे वो कुछ नहीं बोलते, पर गिरीश वो बोलता है, आप कौन हैं और मेरी माँ कहाँ गई? वो मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं आपका ही बेटा हूँ। मेरे बचपन के कपड़े और वो घड़ी जो आपने मुझे बचपन में लाकर दी थी वो आज भी मेरे पास रखी है पिताजी, और मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं आपका ही बेटा हूँ। कहकर गिरीश वापस चला गया अपने सामान को लाने। गिरीश बहुत खुश था कि उसे इतने सालों बाद उसे उसका परिवार मिल गया, पर वो उस महिला को नहीं पहचान पा रहा था। असल में जिस वक्त गिरीश घर से गायब रहा उसके जाने के गम में उसकी माँ ने खाना पीना छोड़ दिया, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और आखिर एक दिन सदमे से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद गिरीश के पिता ने दूसरी शादी कर ली और वो महिला उनकी दूसरी पत्नी थी जो कि गिरीश को उनके दरवाजे पर दिखाई पड़ी। गिरीश जल्द से जल्द अपने घर पहुंचा, वहां से उसने अपने पुराने बचपन के कपड़े और अपनी घड़ी उठाई और वापस अपने पिता के घर की तरफ चल पड़ा। पर जब वो वहां पहुंचा उसने देखा घर के आसपास भीड़ लगी हुई है, बहुत से लोगों की रोने की आवाजें आ रही थी। उसने पूछा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, क्या कुछ हुआ है? हाँ क्या बताएं बेटा, यहाँ इस घर के मालिक विश्वेश्वर जी वो आज सुबह ही चल बसे। क्या? हाँ बेचारे अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान, उनका बेटा वो बचपन में कहीं भाग गया और आज तक नहीं आया। गिरीश
बहुत दुखी हुआ ये सोचकर। वो शाम तक उस घर के आसपास से कहीं नहीं गया। उस भीड़ के साथ वो ही वहीं टहलता रहा और शाम के वक्त जब सारे मेहमान चले गए, गिरीश तब भी वहाँ बैठा था अपने घर के पास। उसकी सौतेली माँ ने उसे नहीं देखा, पर सारे मेहमानों के जाने के बाद उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई ने बातें करना शुरू किया। अच्छा हुआ तुम्हारे बूढ़े बाप को पता नहीं चला कि वो सनकी लड़का जो कल आया था वही उनका बेटा था। पर जानते हो, मैं उसे देखते ही पहचान गई थी। मुझे पक्का यकीन था कि वो उन्हीं का बेटा है, उसकी बातों से ही लग रहा था। अच्छा हुआ जो तुम्हारे बूढ़े बाप से छुटकारा मिला, बची हुई जिंदगी अब चैन से जीऊंगी। उनकी बातें सुनकर गिरीश को बहुत गुस्सा आया, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके हाथ में आई खुशी उसके हाथों से फिसल गई थी। शायद उसकी जिंदगी कुछ और हो सकती थी, वो आज कुछ और हो सकता था या एक बेहतर जिंदगी जी सकता था, पर उसकी जिंदगी जैसी आज है उसका दोषी वो खुद ही था। ना उसने वो एक गलत कदम उठाया होता और ना ही आज उसकी ये हालत होती। आज गिरीश 18 साल पहले की बात सोचकर वाकई अफसोस कर रहा था कि आखिर उसने वो गलत कदम क्यों उठाया। उसके माँ बाप ने उसे अगर हल्का सा डांट दिया तो इसमें क्या बुरा किया, वो उसकी भलाई ही तो चाहते थे। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। उम्मीद है मेरी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी चैनल की कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टोरीज बाई गरिमा कुशवाहा से। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।